हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, अगर आपने भी ड्यू SOL से अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपना प्रोविजन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 2023 के अंदर जो भी आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने और जो अपना कोर्स कंप्लीट किया सेशन के अंदर, कैसे उसका आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसमें सर्च करना है SOL DU की वेबसाइट। SOL DU सर्च करने में जो पहली वेबसाइट आती है, सबसे पहले क्लिक करके हम SOL DU की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी 2023 के अंदर जो UGPG के एडमिशन चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू वेबसाइट को उसमें क्लिक करना है और फिर हम वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। अब हमें जाना है स्टूडेंट सेक्शन के ऑप्शन पर। यहाँ पर उसमें मिलता है प्रोविजन सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे सामने स्टूडेंट प्रोविजन सर्टिफिकेट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप 2014-15 से लेकर 2022-23 सेशन के प्रोविजन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं एक सेशन का आपको ओल्ड सेशन का यहाँ पे प्रोविजन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने एक सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे अपना फिल करना है SOL रोल नंबर, जो कि आपके ID कार्ड पर मेंशन होगा। इसके बाद देखिए, आपको अपना फिल करना है एग्जाम रोल नंबर, जिसको आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होता है। तो आपको अपना एग्जाम रोल नंबर मेंशन कर लेना है। इसके बाद व्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए, आपके सामने आपका प्रोविजन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंटआउट निकाल के अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा प्रोविजन सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, किस डेट में आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, बारकोड मेंशन होता है, स्टूडेंट का फोटो मेंशन होता है, साथ में स्टूडेंट की डिटेल मेंशन होती है कि उसने SOL DU से कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है, किस सेशन में किया है, उसका रोल नंबर क्या है आपका SOL का, साथ में उसने एग्जाम कब दिए थे, कब उसने पास किया था, साथ में यहाँ पे एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है। साथ ही सर्टिफिकेट हमारा डिजिटल वेरीफाई होता है, तो इसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए, मान लीजिए अपने UG का डाउनलोड किया है तो PG के एडमिशन में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी जॉब वगैरह में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं जो तेज से डाउनलोड करना है आपको, तो इसके लिए भी सेम तरीका रहने वाला है। हमें जाना है प्रोविजन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लेना है 2022-23, और फिर अपना SOL रोल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद एग्जाम रोल नंबर फिल कर लेना है और सर्च के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए, आपके सामने आपका 2023 का जो कोर्स का प्रोविजन सर्टिफिकेट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल के या फिर इसको डाउनलोड करके PDF फाइल के रूप में सेव रख लीजिएगा। ये हमारा जो लेटेस्ट 2023 सेशन का जो बैच है, 2022-23 सेशन का बैच का, उसका प्रोविजन सर्टिफिकेट आप इस तरीके से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अपना प्रोविजन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, चाहे ओल्ड प्रोविजन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हो आप या फिर जो आपका करंट सेशन है उसका आप डाउनलोड कर रहे हैं।